जब आदमी भूख लगने पर भी जब भोजन नहीं करता है तब एकदम शरीर में कमजोरी आने लगती है। प्यास लगने पर जब आदमी पानी नहीं पीता है तो शरीर एकदम बेजान सा होने लगता है, बेचैनी होने लगती है, चक्कर भी आ जाता है कभी कभी, कभी कभी प्यास के कारण से मूर्छा भी आ सकती है। तो इसी प्रकार से मूत्र का वेग, जब मूत्र यदि त्याग समय पर ना किया जाए, मूत्र का वेग लग रहा हो तो पेड़ों में पहले तो भारीपन होना शुरू होगा, फिर बेचैनी शुरू होगी, फिर बाद में दर्द भी होने लगेगा। इसी तरह से मल का जो वेग होने पर यदि मल त्याग ना करें तो पेट में गैस बननी शुरू हो जाएगी, दर्द होने शुरू हो जाएगा, बेचैनी होनी शुरू हो जाएगा, भारीपन शुरू हो जाएगा, कभी कभी सर दर्द भी होना शुरू हो जाएगा। इस तरह के खतरनाक लक्षण जो है पैदा होने शुरू हो जाते हैं। इन सबसे यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीर में कोई भी वेग होने पर उसका समय पर निस्तारण अवश्य किया जाना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है इसको समझना जानना, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कोई बात नहीं, अभी मल त्याग नहीं किया, मूत्र का विसर्जन नहीं किया। नहीं, ऐसे यदि आप बार बार करेंगे तो आप रोगों से निश्चित रूप से ग्रसित हो जाएंगे। भूख प्यास लगना, मल मूत्र के त्याग के लिए वेग का होना, इसी प्रकार की जो अन्य इच्छाएं हैं शरीर में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती रहती हैं। इसीलिए आयुर्वेद के अंदर जो स्वाभाविक रूप से इच्छाएं जो उत्पन्न होती रहती हैं इनको स्वाभाविक वेग कहा जाता है। और ये जो स्वाभाविक वेग है, जो दुनिया के अंदर सिर्फ मनुष्य नहीं, इस धरती में, इस प्राणी चर अचर जगत में जितने भी जो चेतन प्राणी हैं उनके अंदर ये स्वाभाविक ही इच्छा है, ये स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी में होता है किसी में नहीं होता है। इसीलिए समय समय पर वेगों के रूप में ये उनके शरीर में से सहज रूप से प्रकट होता रहता है। यानी हम ये कह सकते हैं जो समय समय पर अलग अलग प्राणियों में वेगों के रूप में अपने आप में जो प्रकट होती रहते हैं उसको हम आधारणीय वेग कहते हैं। यानी कि जो आधारणीय वेग हैं इनकी समय पर निवृत्ति करना बहुत आवश्यक है। यदि हमने समय पर निवृत्ति नहीं करी, ऐसा यदि नहीं किया, ऐसा जिसको वेग हो रहा है वो वेग वाला जो है ऐसा उसने नहीं किया तो क्या होगा, निश्चित रूप से वो बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाएगा।